हेलो एवरीवन, मेरा नाम निष्ठा है एंड इस ईयर मेरे 660 मार्क्स आए हैं नीट में। पिछले ईयर मेरे मार्क्स 456 थे एंड मेरा जंप 204 मार्क्स का है, जो कि काफ़ी बड़ा जंप है। एंड जो मेरी जर्नी है उसमें जो पॉइंट्स हैं जिस वजह से मैं इतने मार्क्स इंक्रीज कर पाई, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पिछले साल मुझे फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई एंड मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स थे, जिसकी वजह से मेरा जो स्कोर है मॉक टेस्ट में वो अच्छा नहीं रहा। एंड इस ईयर स्कूलर डेन में आने के बाद यहाँ पर फिज़िक्स के स्पेशली फैकल्टी के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही, जिसकी वजह से मैं फिज़िक्स के अपने जो डाउट्स थे एंड जो भी टॉपिक्स थे जिनके मैं स्ट्रगल कर रही थी, जिन पर उनको मैं क्लियर कर पाई। एंड यहाँ पे टीचर्स जो थे DCC में बहुत अच्छे से डाउट सॉल्व करते थे एंड डाउट सॉल्विंग के साथ साथ एक मेंटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे वो, जिससे कि हमारे ऊपर जो मेंटल प्रेशर था नीट एक एग्ज़ाम का, जो मेंटल प्रेशर होता है वो बिल्ड नहीं हो पाया। एंड यहाँ पर आकर स्पेशली टीचर्स ने बताया कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एंड स्पेशली इन बायोलॉजी। पिछले साल NCERT पे मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लास्ट के 1 या 2 मंथ में NCERT पे फोकस किया था। इस ईयर स्टार्टिंग से ही NCERT को लेके चला। बायो में जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ एक्सप्लेन किया, सारे डाउट सॉल्व किए। स्पेशली इस ईयर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया, बट जो हमारी टीचर थी SM मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, धीरे धीरे उनसे डाउट्स पूछे DCC में जाके, उन्होंने डाउट सॉल्व किए, GV मैम ने भी, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेरा डर था उसको कॉन्कर कर पाई और मेरे केमिस्ट्री 170 मार्क्स आए। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही एक मेंटल सपोर्ट दिया। VT सर ने भी इंटरेक्टिव सेशंस लिए बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ। VT सर ने बहुत सारी टिप्स दी बच्चों को इंटरेक्टिव सेशंस में, उनमें से 2 टिप्स से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। एक तो था मेडिटेशन, जो मैंने 1 मंथ पहले से मतलब रेगुलर मेडिटेशन किया डेली, एंड दूसरा था फुल्ली हाइड्रेटेड रहना, 4 लीटर वाटर पीना एक दिन में, और उससे मुझे मेरे परफॉर्मेंस में काफ़ी एक बेनिफिट इम्प्रूवमेंट मिला। एंड मैं जो प्रेशर पहले फील कर रही थी वो प्रेशर मुझे उतना ज़्यादा बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे फील नहीं हुआ। मैं और सभी एस्पिरेंट से यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं, जो भी आपको बताते हैं, स्पेशली आप कभी भी क्लासेस मिस मत करिए, अपना होमवर्क अच्छे से कीजिए, और जो भी टीचर आपको सजेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। मेरे ये जो मार्क्स इंक्रीज हैं उसका रीज़न मेन यही है कि मैंने टीचर्स की बातों को फॉलो किया। हार्डवर्क के साथ साथ अपने टीचर्स के गाइडेंस से आप जो है मार्क्स अपने अच्छे कर सकते हैं। एक मिस्टेक स्टार्टिंग में जो मैंने की थी कुछ टाइम तक, कि मुझे लगा कुछ टॉपिक्स बायो के एंड इनऑर्गेनिक के कि मुझे वो आते हैं, और वो मैंने क्लास में नहीं उन पे ध्यान दिया इतना। मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों की कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमें वो टॉपिक्स आते हैं बट वो फिर हमारे वीक टॉपिक्स बन के रह जाते हैं। एंड इसलिए जो भी टीचर पढ़ा रहा है क्लास में उस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें, चाहे वो टॉपिक आपको आता हो ना आता हो। मैं फाइनली बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं तो आप अपने टीचर्स से कनेक्टेड रहें, क्योंकि टीचर्स का गाइडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस फील्ड में बहुत टाइम से हैं एंड वो आपको बता सकते हैं आपको कहाँ फोकस करना है कहाँ नहीं। कई बार हम ऐसी गलतियाँ करते हैं कि हम गलत जगह फोकस कर रहे होते हैं। टीचर्स का सपोर्ट और पेरेंट्स का सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड SD के टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसलिए आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहें।